जो बीए बीएससी बीकॉम यानी तीनों का अब रिजल्ट आ चुका है। पहले बीएससी और बीकॉम का केवल रिजल्ट आया था, पार्ट थर्ड वाला जो 19 से 21 19 से 22 सेशन जिनका था, उनका फाइनल रिजल्ट अब सभी का आ चुका है। जैसे बीए था और बीए का पहले रिजल्ट नहीं आया था ना, तो उसका आज अपडेट कर दिया गया, जहाँ पर आपका रिजल्ट सारा डिटेल सभी लोग का शो करने लगा है। तो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ जो 19 से 22 सेशन वाले हैं, उन सभी का रिजल्ट मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको रिजल्ट को चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना www.mu.de.org. ओके, इस वाले पर क्लिक करके सर्च कर लेना है। इस तरह से सर्च करेंगे, पेज आपको इस तरह से कुछ ओपन होगा। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले वेबसाइट पर आप डायरेक्ट चले आइएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए एडवांस का ऑप्शन दिखता है तो एडवांस पर क्लिक कीजिएगा। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक जारी होगा, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट इस पर आ जाइएगा। पहले था क्या, पहले बीएससी और ये बीकॉम का केवल दिया था रिजल्ट, लेकिन अब बीए भी अपडेट हो गया है। बीए का मैं चलिए देख चेक करके दिखाता हूँ। बीए वाला पर क्लिक किया, यहाँ पर रोल नंबर डालूंगा मैं, इसके बाद सर्च का सेक्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद देखिए क्या करना हो ताकि आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पर रोल नंबर डाल चुका हूँ, सर्च का सेक्शन इस पर क्लिक करूंगा। सर्च पर आप जैसे क्लिक करें, मान लीजिए अगर आपको इस तरह से दिखाता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इंटर का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर मोबाइल में आप करते हो तो मोबाइल में डायरेक्ट इस तरह से आपको देगा और एरो का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइव करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ पर डायरेक्ट सर्च किया था तो यहाँ पर एरर कर दिया था। यहाँ आप देख पा रहे हो कि एरर इस तरह से आ गया था, लेकिन मैंने सर्च ना करके डायरेक्ट इस पर एक बार क्लिक किया, मैंने यहाँ पर इंटर किया तो देखिए यहाँ पर तुरंत कैसे यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, यही एक तरीका है रिजल्ट डाउनलोड करने का। चलिए आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। पीडीएफ यहाँ से ओपन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं पीडीएफ ओपन कर लिया हूँ। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, और मन में कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। या तो आपको हमें से कॉन्टैक्ट करना है तो मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके अपना रिजल्ट को डाउनलोड करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।